समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आजम खान करगिल पर दिए अपने बयान पर कायम हैं। आजम खान अब यहां तक बोल रहे हैं कि उनके बयान का स्वागत होना चाहिए, लेकिन बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि वो आज आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कह दिया है कि वो आजम खान के खिलाफ शिकायत करेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो आजम खान ने कहा जिसको लेकर बवाल हो गया, और उसके बाद आजम खान की क्या सफाई थी, ध्यान से देखें। नहीं देखो, कायम की बात नहीं है या गैर कायम की बात, हमारा ये कहना है कि मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है, ये किसी को क्यों बुरा लगता है। अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें, तो किसी को क्यों बुरा लगता है। ये इस तरह तो हम हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद बढ़ा रहे हैं उन लोगों को जिन्हें फासिस्टों ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह समझाया है कि मुसलमानों का न आज़ादी में कोई योगदान न सरहदों के लिए कोई योगदान। उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी है, इसमें क्या बुरी बात है। इसका तो स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए इसका।